नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में पहली बार अध्यक्ष पद चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि में गुरुवार को मुकेश सिंह बोरा ने एकमात्र नामांकन किया, जिसे मुकेश बोरा का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। बता दें कि मुकेश बोरा ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो निकाला, जिसके बाद नैनीताल दुग्ध संघ सभागार में निर्वाचन अधिकारी ने समक्ष अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो अपने दुग्ध उत्पादकों का, उपभोक्ताओं का और आम जनता का और अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूँ और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके दिशा निर्देशन में और इस प्रदेश के युवा दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरव गुणा जी, जिनका एक अपना इतिहास भी है, तीसरी पीढ़ी में वो प्रदेश के उत्तर प्रदेश और यहाँ से राजनीति में है। उनके कुशल नेतृत्व में पहली बार ये हुआ है कि पूरे प्रदेश में निर्विरोध दुग्ध संघ के अध्यक्ष बने, तो उसके लिए मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को और माननीय दुग्ध विकास मंत्री सौरव अगुणा जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि निश्चित रूप से उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ आने वाले समय में दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा। सभापति जी, चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया गतिमान है और अभी 10 से 12 बजे के बीच में नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन पत्र दाखिल करने का समय निर्धारित था, तो अभी तक हमारे पास एक नामांकन पत्र की बिक्री हुई है और वही दाखिल भी हुआ है और अभी नामांकन पत्र की जांच की प्रक्रिया गतिमान है। अध्यक्ष सभापति के चुनाव में अभी नामांकन प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष मुकेश बोरा जी का एकमात्र नामांकन हुआ है, उनको हमारी तरफ से, सभी उपस्थित लोगों की तरफ से, सभी उत्पादक लोगों की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। पिछला कार्यकाल किसानों के लिए हितकारी रहा है, चाहे वो साइलेज की कीमत हो, चाहे भूसे की कीमत हो, चाहे दुग्ध होने में वृद्धि हो। भविष्य में इन सब बातों को ध्यान में रख करके किसानों के हक में और अच्छा निर्णय लेंगे, यही हमारी शुभकामना है। जीत आज यहाँ पर मैं कहूँगा, हमने नामांकन किया है कि हो रही है और इस देश के यशस्वी हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार मैं देख रहा हूं हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और ये इतिहास रचने का काम ऐसे भी हुआ है क्योंकि 9 के 9 डायरेक्टर निर्विरोध रूप से यहां पहुंचे हैं, उनके खिलाफ चुनाव में कोई भी नहीं खड़ा हुआ और उसके साथ साथ आज हमारा जो नामांकन हुआ है पुराने हमारे दुग्ध संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा जी के द्वारा, ये भी मुझे लगता है कि एकमात्र नामांकन हुआ है और आज ही ये विजयी हो जाएंगे। मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे समाज को क्योंकि समाज ने अब दिशा ले ली है। मोदी जी के और धामी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति समझने लगा है कि क्षेत्र का विकास यदि कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, इसलिए लोगों ने हम पर भरोसा जताया है। इस बार दुग्ध संघ जो है 9 के 9 डायरेक्टर हमारे निर्विरोध चुने गए हैं और मैं समझता हूँ धामी जी की जो सरकार इस प्रदेश के अंदर चल रही है इसका दूरगामी परिणाम यहाँ पर सभी को देखने को मिल रहा है और मैं समझता हूँ जो मुकेश जी के नेतृत्व में दुग्ध संघ ने पिछले 5 साल में एक इतिहास रचा है सारे दुग्ध संघ के क्षेत्र में, मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ, दोनों चीज़ कहता हूँ कि वो इसी प्रकार अगले 5 सालों में भी इसी प्रकार का काम करेंगे और अगली बार भी हम इसी प्रकार इसी सभी आप सबके बीच में और आप सब जनता के बीच में इसी प्रकार हर्षोल्लास के बाद तीसरी बार भी हम दुग्ध संघ को निर्विरोध यहाँ पर निर्वाचित करेंगे।